सूफी कथक जिन्होंने खुद बनाया है, उस पर रिसर्च की है, उसको वर्ल्ड ओवर परफॉर्म करती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द लेडीज. मंजरी जी, वेलकम टू संगीत स्टोरीज. इट्स सच अ प्लेजर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. सो कथक ऑफ कोर्स मतलब 400 BC और कहा जाता है उतना पुराना है, नाट्य शास्त्र में इसकी बात होती है, बट सूफी कथक फर्स्ट ऑफ ऑल अलग कैसे है? कथक एज द वर्ड इटसेल्फ सेज मींस स्टोरी टेलिंग. कथा, तो जो कथा कहता है उसको कथक कहते हैं. तो ये हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा है, लाइक यू सेड, एंड आई वोंट गो इनटू द सेंचुरीज, बट इट्स द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रेडिशन. नाउ कथा आप कौन सी कह रहे हैं, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है. जब हम सूफी कथक की बात कर रहे हैं, वो हम सूफी कथक क्यों उसको कह रहे हैं, क्योंकि हम उसमें जो कथाएँ बता रहे हैं, जो हम स्टोरीज बता रहे हैं, वो सूफी संतों के पैगाम हैं. अब जब हम सूफी कथक की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे ईश्वर की बात कर रहे हैं जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है. तो एज अ डांसर, जब मैं आपको उसकी कहानी सुना रहे हूँ, तो मैं आपको किसी भी, कोई भी आपके लिए फॉर्म क्रिएट नहीं कर रही हूँ. एक फॉर्मलेस आइडेंटिटी है. तो आपको भक्ति की फीलिंग होगी, पर आपके दिमाग में कोई फॉर्म नहीं बनेगा. ये बेसिक सोच का डिफरेंस है. और यहीं पर कहना चाहिए कथक और सूफी कथक फ़र्क हो जाते हैं. आप मेरे कॉन्सर्ट में से अगर निकल के जाएंगे, तो आपको ये फीलिंग होगी कि हाँ, ये तो कुछ, इट वॉज अदर वर्ल्डली, ये कुछ कुछ बियॉन्ड ह्यूमन नेचर की बात हो रही है. जब वो नृत्य हो रहा है, उस समय ऐसा लगता है कि ओ, ये तो बिल्कुल एफर्टलेस घूम रही है, इट इज़ सो ईजी. मुझे बहुत बार ऑडियंस आई है, दे से इट इज़ सो ईजी, कैन वी ऑल्सो लर्न इट. और जब वो जैसे ही आके पहले दो क्लासेस कहते हैं, ओ माई गॉड, यू मीन ये तो बॉडी घूमती नहीं है. सो समथिंग, बट यू नो दैट इज़ आर्ट. क्योंकि जब आप मेरी आर्ट देख रहे हैं, तो आपको उसमें मेरा एफर्ट नहीं दिखना चाहिए. तो अगर मुद्राओं की जहाँ तक बात करें, तो एक ट्रेडिशनल मुद्रा फॉर एग्जांपल और सूफी कथक की कुछ मुद्रा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को समझाना चाहें कि देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं कि मुद्रा का अगेन पर्सपेक्टिव है कि हम लोगों तक बात पहुँचा. तो हमें अगर कोई भी बात पहुंचानी है, तो हम अब अगर मान लीजिए बाबा बुल्ले शाह का शेर है, कागा सप्तम खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, नमत खाइयो मोपिया मेल कियास. तो अब अगर हमें उसमें कागा दिखाना है, तो हमें चिड़िया दिखानी है. तो ये चिड़िया की मुद्रा, ये मुद्रा आपको भरतनाट्यम में भी मिलेगी, आपको कथक में भी मिलेगी, ओडिसी में भी मिलेगी, कुचिपुड़ी में भी मिलेगी. क्योंकि हमारे यहाँ एक नाट्य शास्त्र है जिससे सारे डांस फॉर्म्स, तो उसमें जो बेसिक मुद्राएं हैं वो तो सारे डांस फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं. तो वही मुद्रा आपको सूफी कथक में भी मिलेगी, क्योंकि अब हमें चिड़िया दिखानी है, बाबा बुल्ले शाह की बात बतानी है, अगर उन्होंने आँखों की बात करी है तो हमें आँख दिखानी है. सो वो हम ग्रामर लेते हैं. एक यहाँ पर पानीपत में दरगाह है बू अली शाह कलंदर से, कुछ नहीं, मैं वहाँ बैठी थी. वो ये कि आप जब खोजते हो, मेरा ये बहुत मानना है कि अगर आप कोई चीज़ खोजते हो, तो वो आपके सामने आती है. मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी कि मुझे कोई बताया कि कहाँ से बाबा कैसे ला रहे थे, क्या था, कुछ तो पता चले. मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ कुछ दरवेश आए हुए थे, वो मलम जैसे वो सब स्वॉर्ड्स वगैरह लेके नाचते हैं, तो वो लोग ऐसे ही अपना कर रहे थे. मैं देख रही थी चुपचाप बैठी. तो मैंने बोला, ऐसे ही उनसे बोला, मैंने कहा, पर मैं ये सोचती हूँ कि बाबा कैसे नाचते हूँ. मैंने नाम ले लिया कि बाबा बुल्ले शाह. मैंने कहा, बाबा कैसे नाचते हूँ. उस बंदे ने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, बाबा तो हाथ ये लेते थे. अब आप कहिए कि ये ओरल ट्रेडिशन है. अब मैं जब बाबा बुल्ले शाह नाचती हूँ, तो मैं ये हाथ ज़रूर लेती हूँ. अब जब मैं अपने और शागिर्दों को सिखाऊंगी, तो मैं ये मूवमेंट ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि ये कहीं से आया. और मैं खुद अपना, जब बाबा बुल्ले शाह नाचती हूँ, तो ये ज़रूर नाचती हूँ. बहुत सारे मेरा अमेजिंग कोलैबोरेटर्स, बड़े बड़े जो नाम है, मुजफ्फर अली साहब हैं, गुलजार साहब हैं, विशाल भारद्वाज, न जाने आबिदा जी, मतलब किन किन लोगों के साथ आपने काम किया है, वो कौन सा एक प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के करीब है? बिकॉज सभी चीज़ें अच्छी हैं, इतने बड़े फनकार, मैंने जॉइन हैंड्स एंड वो एनर्जीज का मिलना, बट समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट. मुझे
वो ट्यूनीसिया के डाफर यूसुफ हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है, उनके साथ हमने करा था। अब उसमें अब हम लोग, वो वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ हूँ, वो हम लोग का शो दुबई में था, सो एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल था। और अगर मैं कहूँ तो हम लोगों को एक दिन कमरे में बंद कर दिया गया था और एक कोलैबोरेटिव हम लोगों ने करके और नेक्स्ट डे उसको परफॉर्म किया था। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज देयर वर वेरी डिफरेंट पीपल वर्किंग टुगेदर। कितने साल की रिसर्च, मतलब वो तो अभी भी चल रही है, लेकिन लॉन्च करने से पहले बिकॉज कथक आपने सीखा, फिर भरतनाट्यम में यू स्पेंट अभिनय सीखा आपने प्रतिमा बेदी जी से, तो कितने साल की तैयारी सूफी कथक लॉन्च करने से पहले? देखिए अब मैं ऑलरेडी, जब मैंने 1998 में लॉन्च करा तो मैं करीब 5 साल तो मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, और जब लॉन्च करा उसके बाद भी मैंने बहुत स्टडी करा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया उस दौर में क्या था कि गूगल पर चीज़ें नहीं मिलती थी, हमारे पास कंप्यूटर्स ही नहीं थे, तो हमें हर चीज़ लाइब्रेरी में जा के ढूंढनी पड़ती थी। आई वुड से दैट माई परफॉर्मेंसेज फ्रॉम 1998 टू यू नो मे बी समथिंग समवेयर अराउंड 2006 और 2007 वर ड्रास्टिकली डिफरेंट, because there was so much of input that happened in the year, it was only in the year 2000 that I was able to travel to Central Asia where I wanted to go to research. usse pehle possible nahi hua. purist ne kabhi aapko kaha ki aapne kathak mein kuch cheezein jo batli hain wo shayad unko nagawar guzri. dekhiye main ek cheez manti hu, aap kya hota hai ki jab bhi koi nayi cheez aati hai you ruffle a lot of feathers, aur उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक कलाकार की वजह है जब आप जो सोच रहे हैं वो दूसरा उस लेवल पर नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि अगर वो सोच पा रहा होता तो वो पहले कर चुका होता। सो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नई आई इस सूफी कथक में, एक तो सोच ही नहीं थी इस टाइप की, सोच कभी थी नहीं, कथक जो कथक का ट्रेडिशन था उस तरह में दिखती नहीं थी, जिस तरह आप एक कथक डांसर की इमेज आपके दिमाग में है, जब आप मुझे एज अ डांसर देखें तो वो आपको कहीं से दिखती नहीं। काले कपड़े ट्रेडिशनली हमारे यहाँ क्लासिकल डांसेस में नहीं पहने जाते, काला अशुभ माना जाता है, सो यू वुड फाइंड डांसर्स वेरी ब्राइटली ड्रेस्ड, ब्लू ग्रीन येलो रेड, और यहाँ एक डांसर आ रही है जो सर से पांव तक काले कपड़े पहनकर आ रही है और फिर नाच रही है और फिर कह रही है कि जी मैं क्लासिकल डांस कर रही हूँ। तो ये जो बहुत सी चीज़ें थी ये बहुत दिनों एक टसल रहा, पर अब आज इस बात को 20 साल हो गए तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर कोई आर्ट फॉर्म देखिए इतने साल दो दशक चल जाती है तो इसका मतलब दैट इज़ हियर टू स्टे। थैंक गॉड आपने किया, मुझे सच में बहुत खुशी है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा इनकी परफॉर्मेंसेज देखिए, फाइंड हर ऑनलाइन, लेकिन स्टेज पे जब देखेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा, वैसे बहुत खूबसूरत है, बट व्हेन यू सी हर व्हेन शी इज़ परफॉर्मिंग लाइक यू विल फॉल इन लव विद हर, सच में थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, तो कीप वॉचिंग, हम ऐसे कुछ बढ़िया आर्टिस्ट से आपको मिलवाते रहेंगे। इट्स वाज अ प्लेजर हैविंग मंजरी जी ऑन द शो, थैंक यू, एंड एक और चाय पीते हैं, बाय।